एक्ट्रेस अनुष्का सेन और अवनीत कौर का आया 12वीं का रिजल्ट। इन यंग एक्ट्रेस को मिला एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल स्थान। वेल आखिर कैसे मैनेज करती थी ये दोनों ही एक्ट्रेस पढ़ाई के साथ साथ शूटिंग भी, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। Hi, this is Anushka Sen and I'm really grateful that I'm an actor and I am able to, you know, balance my studies with it. And the thing that motivates me for doing both the things together, for balancing both of them together is because of my parents and my fans, I would say. Because my parents have been like, you know, they have been really supportive since I started acting. And they've always told me ki no matter where you go, you have to be humble. And also they've told me that how much studies are important. So I'm just really lucky to have amazing teachers, my principal ma'am, amazing school, and my parents and friends that, you know, I was able to balance both of them together and I got a good result. I'm planning to pursue BMM in a good college because BMM mein jo subjects hain wo mere industry se related hai. तो इसकी वजह से आई एम गोना बी डूइंग बीएमएम। जैसे सबको पता है कि कंगना रनौत मेरी फेवरेट है और जैसे झांसी की रानी जब मैंने टीवी पे किया था उसी समय कंगना रनौत की मूवी आई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उस टाइम पे। और मेरी फेवरेट फिल्म उनकी क्वीन है, तो अगर वैसा कोई रोल मुझे मिलेगा तो दैट वुड बी माई ड्रीम रोल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सरप्राइज करती हूँ मेरे फैंस को, इसलिए आई एम गोना बी बैक विद द बैंग बट सीक्रेट। आपको बता दें अनुष्का को 12वीं में 84.4% हासिल हुए हैं। वेल आपको बता दें अलादीन नाम तो सुना होगा एक्ट्रेस अवनीत कौर को भी 12वीं में 74% हासिल हुए हैं। हाल ही में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात की और बताया कि एग्जाम्स के समय उनकी तबीयत काफी खराब थी। अवनीत ने कहा, इतनी अच्छी परसेंटेज लाकर बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊं तो मैंने इतने अच्छे नंबर्स की उम्मीद नहीं की थी। मैं बहुत खुश हूं। मेरे पेरेंट्स भी काफी खुश हैं और उन्हें मुझ पर गर्व है। सब बधाई संदेश भेज रहे हैं। अवनीत ने आगे बताया, मुझे डेंगू हुआ था और मैं ठीक हो रही थी। मुझे याद है वो समय जब मेरे एग्जाम्स थे और मैं पूरी तरह से शूटिंग छोड़कर घर पर रहकर पढ़ाई नहीं कर सकती थी। मुझे सब कुछ साथ में मैनेज करना था। उस समय इतना स्ट्रेस था कि मेरा वजन भी कम हो रहा था, लेकिन मैं खुश हूँ कि सब कुछ सही तरीके से हो गया। वेल, आपको इन दोनों ही टैलेंटेड एक्ट्रेस के बारे में जानकर कैसा लगा, पोस्ट करिए अपनी राय और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहें टेली मसाला।